काल जो नियुक्ति साल हम लोग मना रहे हैं, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में जेपीएससी के माध्यम से लगभग 230 लोगों नौजवानों को रोजगार मिला, 600 डॉक्टरों की हम लोगों ने बहाली की, नर्स के बारे में आपको बताया ही अभी, उसके बाद डीएसओ हम लोगों ने 24 बहाली की, अभी उधर चायबासा कोलार क्षेत्र में एसीसी सीमेंट है, वहां पर लगभग 150 बच्चों को हम लोगों ने उस कंपनी में परमानेंट रोजगार दिलाने का काम किया। टेक्सटाइल में जो महिलाएं या हमारी बच्चियां लॉकडाउन में लड़कियां जो दूसरे दूसरे राज्यों में कपड़ा सिलाई करने का काम करती थी, वहां पर उन सब बच्चियों को बंधक बना लिया सर, आने ही नहीं देता, और वहां ये कोरोना काल में उन लोगों से जबरदस्ती खटवाता था। हम लोगों ने अलग अलग मोबाइल नंबर और ऑनलाइन व्यवस्था से उनकी संपर्क उन लोगों से साधा, उन लोगों ने हम लोगों से मदद मांगी, वहां से सभी लड़कियों को उठाकर ला करके लगभग यहां पर 200 लड़कियों को टेक्सटाइल कंपनी में रोजगार देने का काम हम लोग, बिहार में भी अलग अलग जिलों में 150 लोगों की नियुक्ति हुई, मनरेगा के माध्यम से 500 लोगों की नियुक्ति हुई, अभी इसमें और भी नियुक्ति होनी है, और इसके साथ साथ अभी बहुत जल्द बहुत कई चीजें जो बरसों से टिकी हुई थी, आपने देखा 6 या 7 साल हो गए जेपीएससी एक भी परीक्षा नहीं ले पाई, अभी जेपीएससी क्या भाई परीक्षा हुआ जिसमें 2.5 लाख से 3 लाख तक बच्चों ने एग्जाम दिए, कई चीजें पहली कई चीजें लटक पटक करके यहाँ चल रही है, और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ तत्व लोग हैं, कुछ तत्व है जो इन सब चीजों को बाधित भी करते हैं, उन सब समस्याओं का निदान करते हुए अभी बहुत जल्द हिस्ट्री सिविक्स में जो शिक्षकों की बहाली होने हैं, लगभग 700 शिक्षकों की नियुक्ति बहुत जल्द निकलने जा रही है, वो भी अब सरकार का एक हिस्सा बन के काम करेगा। सरकार का नौकरी बहुत लोग इसके आस में रहते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने हमें 2 हाथ 2 पैर और सर के अंदर थोड़ा सा दिमाग डाल के भेजा है, इसका उपयोग करें तो ये कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता, इसलिए आप नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार के माध्यम से भी अपने आप को खड़ा कर सकते हैं और अपने परिवार का भी बहुत बेहतर तरीके से भरण पोषण कर सकते हैं, इसलिए रोजगार सृजन मुख्यमंत्री रोजगार योजनाएं चल रही है, पशुधन योजनाएं चल रही हैं, फूल और धानों योजनाएं चल रही हैं, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर राज्य में जो हमारी महिलाएं हड़िया दारू बेचती है उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है, अभी तक 15,000 महिलाएं जो हड़िया दारू बेचती है उनको हड़िया दारू छोड़ करके हम लोग मूल धारा में ला करके रोजगार हम लोगों ने उपलब्ध कराया, बड़े पैमाने पर लगभग 800-900 बच्चियों को 1,000 लगभग 960 बच्चियों को A&M का ट्रेनिंग देकर के उसको नर्स बनाने का काम किया, 15,000 नौजवानों को ट्रेनिंग देकर के अलग अलग जगहों पर भेजकर रोजगार से जोड़ा गया, अब उसमें से लगभग 1,000 से अधिक बच्चे तो विदेश तक जा चुके हैं, विदेशों में रोजगार, आपने देखा होगा सुना भी होगा, हम लोगों ने अभी हाल में इस राज्य में जो खिलाड़ी लोग बहुत बड़े पैमाने में सिमडेगा से लेके पूरा कोल्हान से लेके पूरे राज्य में अलग अलग कहीं हॉकी तो कहीं तीरंदाजी तो कहीं फुटबॉल तो अलग अलग खेल में हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां दुनिया में अव्वल आते हैं, लेकिन गरीबी की मार ऐसी कि बेचारे उनको 2 वक्त का अनाज नहीं मिलता,
तो हम लोगों ने पहली बार राज्य के अंदर 20 वर्षों में पहली बार, इससे पहले जब हम सरकार में थे उस समय थोड़ा हम शुरू किए थे, लेकिन हमारी सरकार चली गई, वो योजना भी बंद हो गई। फिर आपकी सरकार बनी है, पहली बार हम लोगों ने 100 लड़कों को सीधी नियुक्ति और ऑफिसर स्पोर्ट ऑफिसर बहाल किए पूरे राज्य। अभी कल परसों ही आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने 7 आदिवासी बच्चों को विदेश में सरकारी खर्चे पर पढ़ने के लिए भेजा।